हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से होंगे। आप लोग सभी अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ स्पेशल, कुछ स्पेशल तो नहीं, तो बस देखिए, देखते जाइए क्या बन रहा है आज। क्या सस्पेंस रखना। आज मटर मशरूम बना रही हूँ मैं। तो बस पैन में तेल गरम कर दिया है और इसमें जीरा डाल दिया है, जीरा और एक तेज पत्ता और एक लाल मिर्च डाल दिया है तड़के के लिए। और इसके बाद इसमें मैं 3 बड़े साइज के प्याज पतले पतले काट के इसको इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें ऐड करेंगे तो मशरूम मटर। वैसे तो बहुत कुछ इसमें नहीं है करना, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, लेकिन टेस्ट इतना अच्छा आता है कि बस पूछो मत। मुझे तो पर्सनली मैं बताऊँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पूरी सर्दी अगर आप सुनो तो मेरे घर में ज़्यादा मशरूम मटर ही बनते थे, लेकिन उस समय मैं वीडियो वगैरह अपलोड नहीं करती थी तो आपके साथ शेयर नहीं किया है। तो ये देखिए, ये प्याज मैंने बस इसमें ऐड कर दिया और प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कोई भी सब्ज़ी हो, जब तक प्याज अच्छे से फ्राई नहीं होता तो उसका स्वाद फिर अच्छे से नहीं आता, अधूरा ही रहता है फिर स्वाद भी। तो बस यहाँ अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है। और कैसा लग रहा है आपको मेरा वीडियो, मेरे व्लॉग्स? तो प्लीज़ आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया कीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ बस इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दे रही हूँ। इसके बाद इसको अच्छे से मिला लूँगी। इसके बाद 1-2 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के पकाएंगे ताकि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से ये पक जाए प्याज, क्योंकि प्याज का कच्चापन जाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर नहीं तो फिर वो प्याज का टेस्ट कच्चा कच्चा सा आता है सब्ज़ी में, तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ बस देखिए, इसको अच्छे से भून लूँगी। और इसको भूनने के बाद तो 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे हल्के फ्लेम को धीरे करके। ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा। ये भून जाने के बाद इसमें मैंने एक बड़ा कटोरा मतलब मीडियम साइज़ का कटोरा भर के मटर लिया था। ये देखिए, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और जो मशरूम है वो मैं 2 पैकेट मशरूम मैंने लिया था। एक पैकेट में 100 ग्राम रहता है, मे बी शायद से एक पैकेट में 100 ग्राम ही रहते हैं, तो 2 पैकेट मैंने लिए हैं। उसको मैंने काट के बीच से दो 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 पीस करके बस उसको मैंने बॉईल कर लिया था, उसको भी रख लिया है साइड में। और यहाँ मैं इसमें मटर में नमक डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी के जो मटर लास्ट सीज़न के जो मटर होते हैं ना, वो थोड़े सख्त हो जाते हैं। पहले जो नया नया जब मटर आता है उस समय मीठे भी होते हैं और मुलायम मतलब सॉफ्ट भी होते हैं, तो इसलिए नमक डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, ये जो उबले हुए मशरूम थे उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बस दो दो, अगर छोटा पीस है तो 2 पीस करना है, और बड़े पीस होंगे मशरूम के तो उसको 4 पीस करना है बस। और एक बड़ा टमाटर इसमें मैंने ऐड कर दिया था, लाल लाल टमाटर। तो बस इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और 1-2 मिनट भूनने के बाद इसमें जाएंगे सूखे मसाले, हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर और गरम मसाला। बस इतना ही कुछ जाएगा। और हमेशा की तरह मिर्च कम डालना है, क्योंकि बच्चे फिर नहीं खाएंगे, तो इसलिए। ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि क्या बताऊँ मैं, खाने का भी मन करता है देख के। तो ये है, पहली बार मशरूम मटर मैंने किसी शादी में खाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था।
फिर मैंने घर पे एक बार बना के देखा तो सबको पसंद भी आया, फिर रेगुलरली फिर वो बनने ही लगा मेरे घर पे। और ये थोड़ा वैसा होता है ना मशरूम, मतलब जैसे मटन के कलेजी वगैरह होते हैं, तो मतलब उसको चबाने में वैसा ही लगता है, तो बच्चे तो इसको कलेजी ही बोलते हैं, मटर और कलेजी बनी है तो ऐसा है। ये देखिए ये मसाले पूरे अच्छे से भून गए थे, ये भूनने के बाद बहुत अच्छे से इसको मतलब पूरा इसको भूनने मतलब इसको मसाले इसके मसाले को भूनने में कंजूसी नहीं करनी है, बहुत अच्छे से इसको भूनना है। और जब इसका तेल ऊपर आ जाए, मसाले जब तेल छोड़ दें, ये देखिए फिर इसमें पानी जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है पानी का उतना आप डाल दो। चावल के साथ खाना है तो थोड़ा पतला बना लो, हम लोग तो चपाती के साथ खाने वाले थे, तो इसमें मैं 2 कप पानी डाल दी थी। और ये फिर उबलने के बाद थोड़ी थिक भी हो जाती है, तो बस ज़्यादा मैंने ग्रेवी नहीं रखी थी, सूखी सब्जी थी, हल्की हल्की सी ग्रेवी थी, ज़्यादा नहीं। ये जितना आप अभी देख रहे हो ना, इससे इसका आधा हो गया था, तो मान के चलो ये थोड़ा थिक हो गई थी, और इसके बाद इसको ढक दिया था। सो देखिए बन के तैयार है मशरूम मटर। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।